महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात के बाद अब दिल्ली में ओमिक्रॉन का खतरा। 15 संदिग्ध LNJP में भर्ती। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डर बढ़ता ही जा रहा है। भारत में कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं और राजधानी दिल्ली में भी अब इसका खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में हाई रिस्क देशों से लौटे 15 यात्री LNJP अस्पताल में भर्ती हैं। इन सभी के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 4 से 5 दिन में आने की उम्मीद है। अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि जो 15 संदिग्ध मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें से 9 कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि बचे हुए 6 मरीज के गले में खराश और बुखार जैसे लक्षण हैं। इन सभी को दिल्ली सरकार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती किया गया है। पिछले हफ्ते ही दिल्ली सरकार ने LNJP को ओमिक्रॉन संक्रमितों के इलाज के लिए रिजर्व किया था और साथ ही इसी तरह संदिग्ध मरीजों की संख्या 12 थी, जो 15 हो गई है। केंद्र सरकार ने UK, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मॉरिशियस, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को हाई रिस्क देशों की लिस्ट में रखा है और इन सभी देशों से आने वाले यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज 15।